तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये है दही वाली भिंडी। देखने में जितनी ज्यादा लाजवाब लग रही है खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी थी। एक बार इस रेसिपी को ट्राई जरूर करें और ट्राई करने के बाद अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। तो देखते हैं इस भिंडी को हम कैसे बनाते हैं। Hey friends, welcome back to my channel and you're watching CCC Creative Crafts and Cooking by Priya. अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स करके बताना ना भूलें आज का वीडियो आपको कैसा लगा। इस टाइप के और भी वीडियोस देखने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई भी वीडियो मिस ना हो इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। गिव अवे कॉन्टेस्ट चल रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करें। गिव अवे में पार्टिसिपेट करके आप जीत सकते हैं इतने सारे एक्साइटिंग प्राइजेस, तो इसको बिल्कुल मिस ना करें और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें। स्टार्ट करें आज का वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि किचन के गंदे से गंदे और चिपचिपे कंटेनर्स को क्लीन करने का DIY मींस होममेड सॉल्यूशन। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जरूर चेकआउट करें। और गिव अवे के सारे रूल्स प्लीज फॉलो करें, वीडियोस को शेयर करें और स्क्रीनशॉट मेरे जीमेल आईडी पर सेंड करें। देखते हैं भिंडी कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा ऑयल। अब इस ऑयल को हम कढ़ाई में अच्छे से फैला लेंगे। भिंडी को मैं अच्छे से वॉश करने के बाद, सुखाने के बाद उसको इस तरीके के थोड़े बड़े पीसेस में कट कर चुकी हूँ। ध्यान रखिए कभी भी भिंडी को गीला कट ना करें, अदरवाइज उसके अंदर वो चिपचिपापन आना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए सबसे पहले भिंडी को धो लीजिए, उसके बाद उसे एक सूखे कपड़े पर फैला दीजिए ताकि जितना भी पानी है वो निकल जाए। उसके बाद आप चाकू से इसको कट कीजिए तो इसमें बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी भिंडी में बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं आया है। उसके बाद आपको भिंडी को कढ़ाई में डालने के बाद फ्राई करना है। फ्राई करते टाइम ध्यान ये रखिए कि बार बार आपको इसे स्पैचुला से नहीं चलाना है, अदरवाइज भिंडी ज़्यादा चिपचिपी हो जाएगी। और जब हम इसको फ्राई करते हैं ना तो अक्सर आप देखते हैं कि भिंडी काली हो जाती है। भिंडी काली ना हो इसके लिए मैंने इसमें चुटकी भर हल्दी ऐड कर दी है ताकि फ्राई होने के बाद भी भिंडी का कलर एकदम अच्छा बना रहे। तो यहाँ पर भिंडी फ्राई हो रही है, जब तक भिंडी फ्राई हो रही है तब तक हम कर लेते हैं कुछ और प्रिपरेशन। तो मैंने यहाँ पर ली है प्याज, लहसुन, टमाटर और हरी मिर्च। तो सबसे पहले मैं प्याज, लहसुन और मिर्च को बारीक बारीक चॉप कर लूंगी। चॉप करने के बाद हम इसमें चॉप करेंगे टमाटर भी। अब प्याज को निकाल कर अलग रख लेते हैं और टमाटर को भी इसी तरीके से चॉप कर लेते हैं। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको बारीक बारीक काट भी सकते हैं या फिर आप यूज कर सकते हैं ग्रेटर का भी। तो यहाँ पर टमाटर भी अच्छे से चॉप हो चुके हैं। इधर भिंडी हमारी फ्राई हो रही थी तो अभी आप देख सकते हैं इसमें हल्का सा चिपचिपापन निकल रहा है। तो भिंडी को आपको तब तक फ्राई करना है जब तक इसमें से वो चिपचिपापन निकलना बंद ना हो जाए। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसको हाथ से ही कुछ इस टाइप से टॉस कर रही हूँ ताकि भिंडी पक भी जाए और चिपके भी नहीं। तो आप देख सकते हैं भिंडी परफेक्टली कुक हो चुकी है, एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर भी आ चुका है और जितना भी इसमें चिपचिपापन था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। तो इस स्टेज पर मैं भिंडी को निकालकर अलग रख लेती हूँ और आप देख सकते हैं कि भिंडी में कितना प्यारा कलर आया है, बिल्कुल यही कलर हमें चाहिए था। अब हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा, साथ में ऐड करेंगे यहाँ पर थोड़ी सी राई। राई दाना ऐड करते हैं तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा मैंने ऐड किया है सफेद तिल। अगर इसमें से कोई सी भी चीज आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा हींग पाउडर ऐड कीजिए और उसके बाद जो हमने प्याज, लहसुन और मिर्च चॉप करके रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर दिए हैं। इनको फ्राई होने देते हैं। जब ये थोड़े से फ्राई होना स्टार्ट हो जाएं उस स्टेज पर आपको इसमें ऐड करना है सूखा धनिया पाउडर। साथ ही में आप इसमें ऐड कर दीजिए थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार ताकि प्याज भी जल्दी से पक जाए और भिंडी में टेस्ट भी अच्छा आ जाए। उसके बाद ऐड किया है थोड़ी सी लाल देगी मिर्च और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इन सबको मिक्स करने के बाद जो हमने टमाटर चॉप करके रखे हुए थे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे। टमाटर और प्याज जब अच्छे से पक जाएं उसके बाद हमें इसमें भिंडी ऐड करनी होगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि टमाटर प्याज पक रहे हैं तो लेट देम कुक। जब प्याज टमाटर काफी हद तक पक गए हैं उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून दही जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था और अब हमने इसे टमाटर और प्याज के साथ ऐड कर दिया है। ध्यान रखिए जिस टाइम आप दही ऐड करें उस टाइम फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए, अदरवाइज दही फट भी सकता है। तो दही फटे नहीं इसके लिए लो फ्लेम पर ऐड करें और उसको लगातार चलाते रहें। जब दही और मसाले तेल रिलीज करना स्टार्ट कर दें उस स्टेज पर आप भिंडी इसमें ऐड कर दीजिए और भिंडी को बस एक बार मिक्स कीजिए, बार बार स्पैचुला से ना चलाएं। अब मैं ऐड कर रही हूँ ये पंचफोड़न मसाला। जब तक भिंडी में आप ये पंचफोड़न मसाला ऐड नहीं करेंगे भिंडी का मजा ही नहीं आएगा।
ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही डिलीशियस है और इसकी बनाने की रेसिपी ऑलरेडी मैं चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जरूर चेकआउट करें। और पंचफोरन मसाला इस भिंडी में जरूर ऐड करें। उसके बाद मैंने लिड लगाकर इसको लगभग 10 से 15 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दिया था। 10 से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं भिंडी कितने बढ़िया तरीके से कुक हो चुकी है। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, आपके भी आ रहा है ना। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना। एंजॉय करें इस गर्मा गर्म टेस्टी दही वाली भिंडी को रोटी या पराठे के साथ। यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है और बिल्कुल डिफरेंट है। ट्राई जरूर करना, मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर लिखना। आपके कमेंट्स का मैं इंतजार करूंगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल।